रिलीफ पता है आज क्या है? आज बच्चों का ऑफ है। मैंने आपको बताया था हमारे यहाँ कांवड़ का बहुत जोर रहता है ना, तो कांवड़ की वजह से स्कूल हो गए हैं बंद, ओनली फॉर स्टूडेंट्स। हम टीचर्स को जाना है, हम टीचर्स पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना कर्फ्यू, ना गर्मी, ना कांवड़ ब्रेक, ना विंटर ब्रेक, ना समर ब्रेक। टीचर्स को बनाने के लिए भगवान ने एक अलग प्लैनेट से जाकर मिट्टी खोदी थी और फिर तैयार हुई थी हम जैसी टीचर्स और प्राइवेट स्कूल की टीचर्स। गवर्नमेंट वाले होंगे हॉलीडे में, चलिए खैर कोई बात नहीं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और हमारा काम है, एंड आई लव माई वर्क, वर्क इज़ वर्शिप। लेकिन आज की पता हैरानी की बात, जब भी ऐसे हॉलीडेज पड़ते हैं, छुट्टी होती है, संडे होता है या कुछ भी होता है, तो राधे को ना हमें उठाना नहीं पड़ता कि बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, स्कूल जाना है, जैसे हम उसे पट पट के उठाते हैं ना रोज सुबह मॉर्निंग में। आज राधे घर पर नहीं है इस समय, राधे जा चुके हैं घूमने। घूमने कहाँ? राधे जाता है शाखा, RSS ज्वाइन कर रखा है, उसमें उसका एक पोस्ट मिली हुई है उसे। तो वो रात को कहकर ही सोया था कि मुझे जल्दी 5:30 तक उठा देना, मेरा शाखा में आज फुटबॉल का मैच है। तो मुझे तो उसे उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो खुद ही उठ गया। मैं किचन में काम कर रही थी और उसने आकर मुझे राम राम करी, प्यार करा और अपनी साइकिल ली और ये जाओ वो जाओ, राधे जा चुके हैं। और यही अगर हमें स्कूल जाना होता है तो हम 5:30 से उसके पीछे पड़ते हैं, दूध दे बेटा, पुच्ची, प्यार, और फिर कहीं जाकर राधे जी हिलते डुलते हुए उठते हैं। तो ये राधे नहीं, सभी बच्चों के साथ ये होता है, हॉलीडेज में उन्हें उठाने की नींद नहीं पड़ती है, वो अपने आप उठ जाते हैं। तो ठीक है, आज स्कूल के बाद कहीं जाना है, कहाँ जाना है मैं आपको बताऊंगी। टेक केयर। हाय सेफ्टी पिंस, मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को बताया था ना कि स्कूल के बाद कहीं जाने का प्रोग्राम है, प्रोग्राम नहीं 100% ही जाना था। बर्थडे पार्टी है क्यूटी सी डॉल की, हमारे स्टाफ मेंबर में से ही, तो अब वहाँ जाने की जा रहे हैं हम, वेट कर रहे हैं हम अपने साथ के एक और फ्रेंड का कि बस वो आ जाए। और मेरे साथ है मेरी बेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड वर्ल्ड भी उसके लिए थोड़ा सा कम है, ठीक है, शी इज़ माई स्वीट एंजल सोनल। ये भी मेरी बहुत बड़ी सेफ्टी पिन है, अगर और अगर ये बहुत ज्यादा चुभने के लिए हो ये क्यों चुभती है? ये इसलिए चुभती है फॉर माई बेटरमेंट। अगर कहीं पर भी मैं अटक रही हूँ, कहीं पर मैं लड़खड़ा रही हूँ, कहीं पर भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो सोनल वहाँ आकर मेरे को ठीक करती है, करेक्ट करती है, मुझे मोटिवेट करती है, और इसी ने मुझे मोटिवेट कर करके मेरे को इतना मोटी कर दिया है। सो शी इज माई डार्लिंग, ठीक है। तो अभी चल रही है वहाँ पर पार्टी में, फिर कोशिश करूंगी थोड़ा सा व्लॉग में आप लोगों को दिखाने का कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगी दोबारा से फिर आने का। 100% आओगी सोनल तुम तो। पहुंच गई हूँ मैं अपने फंक्शन पर, यहाँ पर मेरे साथ काफी लोग आए हुए हैं, लाइए आप लोगों को दिखाते हैं। वेटिंग फॉर माई सन, लेने आ रहा है मेरे को, और कहाँ गया, ये रहा। हाय, फंक्शन से आने के बाद पता है इतनी थकावट हो गई कि मैं सो गई, और अभी मैं उठी हूँ। और मेरे सोने के बाद हुई दो बातें, पहली बात हुई बारिश आई बहुत, जो मुझे नहीं पता चला, मैं और ठंडी ठंडी हवा में सोई गई, और आया तूफान। तूफान कहाँ आया? तूफान आया अंश और राधे की हो गई लड़ाई। अब मुझे ज़बरदस्ती उठाया गया है पंचायत करने के लिए कि फैसला किया जाए, और शिकायत करता है तन्मय शर्मा जी, अब जाकर जरा इनकी समस्या सुनते हैं हुआ क्या है। फिलहाल बन रही है मेरी चाय, स्ट्रॉन्ग टी बना रही हूँ मैं अपने लिए, स्ट्रॉन्ग टी। मैंने दूध डाल दिया, अब पहले जाकर जरा सुलझाऊं क्या किस्सा हुआ, जब तक मेरी चाय इधर पकेगी फिर पता करते हैं। लाइट वगैरह कैसे बंद हो रखी है? क्या हो क्या रहा था यहाँ पर, मुझे ये ना बताया जाए। जब मैं सो रही थी तो क्या हुआ? ये हुआ है मेरे सोने के बाद, और अभी
क्यों हुआ क्या, क्यों मेरे को ऐसे उठाया गया, क्यों तुम लोगों ने इतना शोर शराबा मचा रखा था मुझे? पचास रैकेट दोनों गालों पे बरा ये किया दोनों पे। मजाक से ले रही है, देख ना हंस रही हूँ पीछे। नहीं हंस नहीं रही हूँ, तेरा चेहरा देखकर लग तो नहीं रहा कि तू पिटा है। दो सेकंड में आया। क्या करा तुमने अंश? तो इतना भोला है नहीं जितना तू भोला बनकर बैठा हुआ है। क्या किया तूने छोटे भाई के साथ? छोटा भाई है, तो कुछ कहता ही नहीं। ये कुछ नहीं कहता था, मैंने आप कितनी बार कहा है अंश की मजाक मजाक में बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। हंसी मजाक उसने मुझे पता है सोते हुए को उठाया है कि भाई मुझे बहुत मार रहा है। तूने उठाया है? तूने मुझे उठाया कि इतना मारा ना गाइस इसने। बताओ एक एक नाइक इज इक्वल टू एक गुसुंड। कम से कम यार चलो जितने करने बता उतने गुसुंड मारूंगा मैं उसमें। हां ऐसे मारेगा ऐसे ही बोनस वाली लात मारेगा। तुमने कैसे वर्ड यूज करा? तूने अभी भाई को क्या वो शब्द बोला है? लूमड़ा। व्हाट इज दिस लूमड़ा? लूमड़ा मतलब बहुत इट इज यूज्ड इन गेम्स। हम इसे पबजी में यूज करते हैं जिन्हें खेलना नहीं आता। पबजी में नहीं करते हैं, फ्री फायर में करते हैं। इस जैसे पता है तुम दोनों को मैं एक बात बहुत ही प्यार से और शांतिपूर्वक समझा रही हूँ। हंसी मजाक अपनी जगह ठीक है, लेकिन ना कभी कभी हंसी मजाक में ही ना सीरियस लड़ाई हो जाती है। ड्रामा तो कर मत इधर राधे। तू आप वीडियो बना रही हो और मैंने कमरा कितना अच्छा कर रखा है। अब तो ये पता चलता है ना ये तुम्हारे कमरे हैं, तुम लोगों ने अपने कमरा जैसा कर रखा कर रखा। ये जैसे कॉपीज है ना, ये कॉपीज ही ऐसे खुली रहती है अंश की। रात को इसमें लिखते लिखते यूं ही कॉपी खोल कर छोड़ के सो जाता है, सुबह उठता है फिर इसी में अपना वर्क शुरू कर देता है। इधर यहाँ पर इसने अपना सारा खाने पीने का डिब्बा, सामान, टी शर्ट सब कुछ अपने पास रखा हुआ है कि बस चेयर पे बैठे बैठे इसे एक हाथ घुमाता है। जब थक जाता है तो फिर यहाँ लेट के पड़ता है। तो तकिए भी इसने जो हमारे सोफे पर रखे जाने चाहिए थे वो यहाँ पड़े हुए हैं। और ये हालत हो रखी है देखिए बेड की, देखिए ये देखिए ये जिसकी आंखें देखिए, इसकी आंखें, इसकी आंखों में जो शरारत है ना, आंसू है मेरी आंखों में आंसू। उनकी लड़ाई सुलझाने के चक्कर में मेरी चाय देखो खोल खोल कर गिर गई है इसके ऊपर। और अभी भी देखो बेचारी चाय कह रही है जिज्जी मुझे बचाओ, जिज्जी मुझे उतारो, क्या करो बताओ। फाइनली मेरी चाय रेडी हो गई, लेकिन इधर ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। मॉर्निंग की प्रिपरेशन, बच्चों की डिमांड है कल मैक्रोनी पास्ता बनाओ, मंगाया है वो विद मैगी मसाला, शिमला मिर्च, बंद गोभी, अनियन खाना नहीं है, सावन चल रहा है, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर कल बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट ये बनाकर जाना है। बिकॉज उनका ऑफ चल रहा है, घर से ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, तो मॉर्निंग की प्रिपरेशन करते हैं। कहते हैं यदि अगर आप दर्द महसूस करते हैं तो दैट्स मीन्स आप जीवित हैं, आप जिंदा हैं, लेकिन अगर आप किसी का दर्द महसूस करते हैं तो आप इंसान हैं। इसलिए खुशियाँ बांटिए, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, दूसरों के खुश रहने की वजह बनिए। दुख तकलीफ़ ये सब तो लाइफ में चलता रहेगा, जिम्मेदारियों का तो चक्र कभी ख़त्म ही नहीं होता है,
तो एक दूसरे के साथ रहिए, खुश रहिए, एक दूसरे को सहयोग दीजिए, सपोर्ट करिए, मिलकर रहिए, और मेरी सभी सेफ्टी पिन्स अपने बंच में रहिए। क्योंकि कहते हैं ना कि पत्ता अगर डाल से टूट जाता है तो फिर वो ख़त्म हो जाता है, तो परिवार का साथ रहना ये सब बहुत ज़रूरी है, तभी हम ग्रो कर सकते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे साथ हमारी फैमिली है, हम ग्रुप में हैं, हम सपोर्ट में, हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, हमारे वेल विशर्स हैं, तो ऑल माई वेल विशर्स और माई फ्रेंड्स और माई फैमिली, थैंक यू टू बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप लोग मेरे ब्लॉग्स पसंद कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने नहीं किया किसी वजह से बिजी थे कल तक, तो आज कर दीजिए, इट्स ओके, पकड़ दीजिए, ओके, बाय, टेक केयर।